इस साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और यह भारत में दिखाई देगा यानी इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस साल यह सूर्य ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:06 से प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 29 अक्टूबर को दोपहर 2:22 पर होगा। यह एक खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है और यह शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इस चंद्र ग्रहण के कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण पर पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पेट पर गोबर का लेप करना चाहिए और कोई भी धारदार वस्तु, चाकू, छुरी, सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान महिलाओं को सब्जी काटने की मनाही होती है। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता अपने घर के पानी वाले स्थान पर, अचार पर और अपने घर के सभी सामान पर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के छोटे बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को हल्का भोजन करना चाहिए। वैसे पहले के समय में चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाया जाता था। ग्रहण खत्म होने के दूसरा दिन पूजा पाठ के दौरान गंगा जल का पानी पूरे घर में, अपने दुकान घर में छींटना चाहिए और पुराने पानी को खाली करके घर में पीने के लिए नया पानी भरना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।